स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आईटी चैनल नेटवर्क सील्ड में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप नेटवर्किंग इंटरव्यू क्वेश्चन या हम ये बोले टॉप सी रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चन ये रहेगा आपका पार्ट वन ऐसे मल्टीपल पार्ट्स आप लोगों के लिए मैं लेके आऊंगा अपने सीरीज में आपको क्या करना है आपको इंटरव्यू क्वेश्चन जब भी मैं आपके सामने पुट अप करूं तो आपको वीडियो को वहां पे पॉज करना है खुद भी आंसर देने की कोशिश करनी है एंड उसके बाद मैं डिटेल में एक्सप्लेन तो आप लोगों को करूंगा ही करूंगा बहुत ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप हमारी सी सी आने वाली सीरीज को स्टार्टिंग से फॉलो करें और जब वो कंप्लीट सीरीज आप देखें दोबारा आके यहाँ पे आप इंटरव्यू क्वेश्चन की हमारी सीरीज को देखे तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा तो बढ़ते अपने इस वीडियो में आगे और सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है वट इज द पर्पस ऑफ द पिंक कमांड पिंक कमांड का प्राइमरी फंक्शन क्या है तो राइट right आंसर है ऑप्शन ए यानी टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी दोस्तों पिंग कमांड का प्राइमरी फंक्शन नेटवर्क कनेक्टिविटी को टेस्ट करना होता है इसमें आईसीएम जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है जो इको रिक्वेस्ट पैकेट भेजता है और रिसीव करता है अगर रिप्लाई मिलता है तो इसका मतलब नेटवर्क कनेक्शन ठीक है ये कमांड ट्रबल शूट करने के लिए बहुत यूजफुल होती है और अगर रिप्लाई नहीं मिलता है तो दैट मीन देयर इज लिए फिर हम आगे ट्रबल शूटिंग करते हैं वेल सेकेंड क्वेश्चन है विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल डज द आईपी प्रोटोकॉल ऑपरेट इन आईपी प्रोटोकॉल कौन से ओएसआई लेयर में काम करता है तो राइट right आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी नेटवर्क लेयर आईपी प्रोटोकॉल ओ एस आई मॉडल की नेटवर्क लेयर लेयर यानी पे काम करता है इसका मेन काम डेटा पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक राउट करना होता है ये लॉजिकल एड्रेसिंग का इस्तेमाल करता है जो आईपी एड्रेस के जरिए होता है ताकि डेटा पैकेट सही डेस्टिनेशन पर पहुंच सके थर्ड नंबर क्वेश्चन है ओ प्रोटोकॉल का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है राइट right आंसर है बाय डिफॉल्ट ओ का ए टी वैल्यू दोस्तों 110 यानी 110 होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस एक रेटिंग सिस्टम है जो राउटर को ये बताता है कि कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल सबसे ज़्यादा ट्रस्टेबल है लोअर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस का मतलब होता है कि वो ज़्यादा ट्रस्टेड है OSPF एक लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है इंटरनल नेटवर्क के लिए यूज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ आईपी एड्रेस दैट कैन बी असाइंड टू होस्ट इन ए सबनेट विद ए स्लैश 27 मास्क यानी स्लैश 27 सबनेट मास्क के साथ मैक्सिमम कितने आईपी एड्रेस होस्ट को असाइन किया जा सकता है राइट right आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी स्लैश ट्वेंटी सेवन सबमिट मास्क में टोटल थर्टी टू आई पी एड्रेस अवेलेबल होते हैं लेकिन नेटवर्क एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस रिजर्व होते हैं तो यूजेबल आईपी सिर्फ थर्टी बचे ठीक है तो थर्टी आईपी जो है वो आप होस्ट को असाइन कर सकते हैं यानी अपने सिस्टम को असाइन कर सकते हैं इसका सबनेट मास्क होगा टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू टू फोर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड इनेबल आर आई पी वर्जन टू ऑन ए राउटर कौन सा कमांड आर आई पी वर्जन टू को राउटर पर इनेबल करता है तो राइट right आंसर है आपका ऑप्शन ए दोस्तों आर आई पी वर्जन टू इनेबल करने के लिए कमांड राउटर आर आई पी वर्जन टू होती है आर आई पी वर्जन टू एक डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है जो क्लासलेस राउटिंग को सपोर्ट करता है और सबनेट इंफॉर्मेशन भेज सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट द ट्रेस राउट कमांड डू ट्रेस राउट कमांड क्या करती है आंसर है ऑप्शन बी डिस्प्ले द पाथ पैकेट टेक टू रीच ए डेस्टिनेशन ट्रेस राउट दोस्तों कमांड पैकेट का पाथ दिखाती है जो एक सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाती है ये कमांड हर होप यानी जैसे होप में बात कर रहा हूं राउटर हो गया स्विच हो गया या कोई एल थ्री और डिवाइस हो गया के बारे में इंफॉर्मेशन देती है जो पैकेट के रास्ते में आता है इससे नेटवर्क के डिले पॉइंट्स और पाथ इश्यू का पता लगाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वीलैन रेंज इज रिजोर्व फॉर नॉर्मल वीलैन इन ए सिस्को स्विच सिस्को स्विच पर नॉर्मल वीलैन के लिए कौन सा रेंज रिजर्व होता है आंसर है आपका राइट right आंसर है ऑप्शन बी जो की है वन से लेकर वन डबल जीरो फाइव स्विच में विलन रेंज वन से लेकर वन थाउजेंड फाइव रिजर्व होता है नॉर्मल के लिए ये ऐसे इन्वायरमेंट में यूज होता है जहां बड़े स्केलर में विलन कॉन्फिगर किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं की विच राउटिंग प्रोटोकॉल यूजेज द डूल एल्गोरिथम कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल डूल एल्गोरिथम का यूज करता है तो राइट right आंसर है ऑप्शन बी इ आई जी आर पी जिसको फुल फॉर्म में कहते हैं इनहेंस्ड इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल डूअल यानी डिफ्यूजिंग अपडेट एल्गोरिथम का यूज करता है ड्यूअल एल्गोरिथम राउटर को बेस्ट पाथ और बैकअप पाथ कैलकुलेट करने में मदद करता है बिना लूप क्रिएट किए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड विल डिस्प्ले डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेटस ऑफ इंटरफेस इंटरफेस का डिटेल्ड स्टेटस देखने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है तो राइट right आंसर है ऑप्शन सी शो इंटरफेस डिटेल इंटरफेस इंफॉर्मेशन देखने के लिए शो इंटरफेस कमांड का यूज होता है यह कमांड हर इंटरफेस का डिटेल्ड स्टेटस दिखाती है जैसे कि बैंडविथ देखना हो एर देखना हो कॉलिजन देखना हो और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट भी अगर आपको देखना हो तो यह कमांड सबसे ज्यादा हेल्पफुल रहती है नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए व्हाट इज द डिफॉल्ट इन फॉर सीरियल इंटरफेस ऑन सिस्को राउटर सिस्को राउटर पर सीरियल इंटरफेस का डिफॉल्ट इनकेप्सुलेशन कौन सा होता है तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए यानी एच डी एल सी सिस्को राउटर पर सीरियल इंटरफेस का डिफॉल्ट इनकेप्सुलेशन एच डी एल सी यानी हाई लेवल डेटा लिंक कंट्रोल होता है एच एक सिंपल इनकेशन प्रोटोकॉल है जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विचिंग मेथड मेक्स ए फॉरवर्डिंग डिसीजन एज सुन एज इट रिसीव द डेस्टिनेशन एड्रेस कौन सा स्विचिंग मेथड फॉरवर्डिंग डिसीजन डेस्टिनेशन एड्रेस रिसीव होते ही ले लेता है राइट right आंसर है इसका ऑप्शन बी कट थ्रू दोस्तों कट थ्रू स्विचिंग डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रिसीव होते ही फॉरवर्डिंग डिसीजन ले लेता है ये मेथड जल्दी से पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए यूज होता है लेकिन ये एरर चेकिंग को छोड़ देता है कुछ तो ड्रॉबैक होगा ही होगा ना भाई लोगों ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए वट इज द फंक्शन ऑफ ए लेयर टू स्विच ये तो आप लोगों को पता होगा लेयर टू स्विच का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है राइट right आंसर है इसका ऑप्शन बी फॉरवर्ड पैकेट बेस्ड ऑन मैक एड्रेस लेयर टू स्विच का प्राइमरी फंक्शन मैक एड्रेस के बेसिस पर फ्रेम को फॉरवर्ड करना होता है ये एक डेटा लिंक लेयर डिवाइस होता है जो लैन में कनेक्टेड डिवाइस के बीच डेटा को फॉरवर्ड करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल अलाउ फॉर लिंक विदाउट लूप इन ए नेटवर्क कौन सा प्रोटोकॉल तो right लूप को प्रिवेंट करता है जब नेटवर्क में लिंक होता है तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल यानी एस लूप्स को प्रिवेंट करता है जब नेटवर्क में रिटेंडेंट लिंक होता है एस एक लूप फ्री लॉजिकल टॉपोलॉजी बनाता है जो एक स्विच नेटवर्क को रिलायबल बनाता है ठीक है अभी कैसे बनाता है डिटेल में अगर फिर से बोल रहा हूं किसी को मत बताना CCNA की सीरीज देख लो हमारी फायदे में रहोगे सारे कमेंट के आंसर देता हूं मैं। देख लो अगर भरोसा नहीं है तो वीडियो में जाके नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए व्हाट इज द डिफॉल्ट टाइमर फॉर ओ ब्रॉडकास्ट नेटवर्क बहुत बार पूछा गया इंटरव्यू में मैंने भी कई बार दिया इसका आंसर लेकिन हमेशा गलत दिया आप राइट आंसर देंगे ठीक है इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए टेन सेकेंड दोस्तों ओ एस पी एफ़ हेलो पैकेट का डिफॉल्ट टाइमर 10 सेकेंड होता है ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क के लिए हेलो पैकेट ओ एस पी एफ राउटर्स के बीच नेवर रिलेशनशिप इस्टैब्लिश करने के लिए यूज होता है जैसे आजकल व्हाट्सअप से रिलेशनशिप बनती है ना क्या ग्रुप बन जाते हैं आज छोड़िए मैं इन बातों में नहीं पढ़ने वाला यार खाली फिर तुम लोग फिर कुछ ना कुछ कमेंट कर दो उल्टा सीधा मैं मेरे को डर लगता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल ये बताओ आप लोग इनमें से कौन सा डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है तो कंप्यूटर जी लॉक कर करूटर जी, जी, तो जी लॉक कर दीजिए सही आंसर इसका सही आंसर है डी ए आर पी ए आर पी एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है ए आर पी का इस्तेमाल आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में मैप करने के लिए होता है जबकि ओ एस पी एफ बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल और ई एस पी डायमिक राउटिंग प्रोटोकॉल हैं जो राउटिंग टेबल्स को अपडेट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए व्हाट मैट्रिक डज यूज टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ का प्राइमरी मैट्रिक क्या है तो राइट right आंसर है इसमें ऑप्शन ए बैंडविथ दोस्तों ओ एस पी एफ का प्राइमरी मैट्रिक बैंडविथ होता है ओ एस पी एफ लोएस्ट कॉस्ट यानी हाइएस्ट बैंडविथ वाले पाथ को प्रेफर करता है जब वो बेस्ट राउट कैलकुलेट करता है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए व्हिच कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले ओएसपीएफ नेबर रिलेशनशिप ओएसपीएफ नेबर रिलेशनशिप देखने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है तो राइट right आंसर है इसका ऑप्शन ए शो आईपी ओएसपीएफ नेबर दोस्तों एस पी एफ नेवर देखने के लिए इस कमांड का यूज होता है ये कमांड ओ एस पी एफ ने डिटेल दिखाती है जैसे कि उनका स्टेटस हो गया स्टेट हो गया uh, priority हो गया और एड्रेस हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक ऑफ लेयर स्विच लेयर थ्री स्विच का प्राइमरी फीचर क्या होता है तो राइट right आंसर है दोस्तों इसमें ऑप्शन सी कैन परफॉर्म राउटिंग फंक्शन लेयर थ्री स्विच का प्राइमरी फीचर राउटिंग फंक्शन को परफॉर्म करना होता है इसी पे हमने प्रोजेक्ट भी बनाया था इंटरवील राउटिंग का अगर आप लोगों ने सीसीएन की सीरीज को देखा होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए जो कि बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रबल शूटिंग के लिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिक्वेंस फॉर द टीसीपी थ्री वे हैंडसेक टीसीपी थ्री वे हैंडसेक का सीक्वेंस क्या होता है तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी सिन, एक दोस्तों टीसीपी थ्री वे हैंडसेक का सिक्वेंस होता है सिन सीनेक एक् यह प्रोसेस रिलायबल कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए यूज होता है जिसमें दोनों एंड्स एक दूसरे से सिंक्रोनाइज और एक्नोलेजमेंट करते हैं अगर आप देखो सबसे पहले क्लाइंट ने सिन पैकेट भेजा रिसीव में उसको सिन एक मिला ठीक है यानी रिसीव में क्या मिला उसको सिन एक एक् का भी मिल गया ठीक है रिसीवर की तरफ से एक मिल गया अब सेंडर भी एक्नॉलेजमेंट भेजेगा यानी थर्ड पैकेट यानी एक्नॉलेजमेंट तो इसीलिए ये प्रोसेस ऐसा है कि जिसमें एक्नॉलेजमेंट को ज़्यादा फोकस किया जाता है ताकि आपका पैकेट अगर रास्ते में कहीं लॉस हो जाए तो उसको दोबारा भेजें क्योंकि ये कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के लिए व्हाट इज द पर्पस ऑफ द आईपी हेडर एड्रेस कमांड आईपी हेडर एड्रेस कमांड का फंक्शन क्या है दोस्तों इसका राइट right आंसर है ऑप्शन ए टू अलाउ ए राउटर टू फॉरवर्ड डीएससीपी रिक्वेस्ट टू ए डीएससीपी सर्वर आईपी हेल्पर एड्रेस का फंक्शन डीएससीपी रिक्वेस्ट को एक रिमोट डीएससीपी सर्वर तक फॉरवर्ड करना होता है इसका यूज तब होता है जब क्लाइंट्स और डी सर्वर अलग सबनेट में होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए विच कमांड वुड यू असाइन ए टू ए स्विच पोर्ट स्विच पोर्ट को वीलैन असाइन करने के लिए कौन सी कमांड यूज होती है स्विच पोर्ट को व्हीलैन असाइन करने के लिए जिस कमांड का यूज हम करते हैं इसमें ऑप्शन है ऑप्शन सी स्विच पोर्ट एक्सेस विलैन टेन स्विच पोर्ट को व्हीलैन असाइन करने के लिए कमांड स्विच पोर्ट एक्सेस विलैन देन उसका हम व्हीलन आईडी देते हैं इस कमांड के जरिए पोर्ट को स्पेसिफिक VLAN का मेंबर बनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिस्को राउटिंग टेबल में एस का क्या मतलब होता है तो इसका राइट right आंसर है ऑप्शन बी यानी स्टैटिक राउट सिस्को राउटिंग टेबल में एस का मतलब स्टैटिक राउट होता है स्टैटिक राउट मैनुअली कंफिगर किया जाता है दोस्तों जो एडमिनिस्ट्रेटर को स्पेसिफिक राउट को सेट करने के लिए फ्लेक्सीबिलिटी देता है दोस्तों अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने पूछे आप लोगों को कैसे लगे और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइएगा नेक्स्ट पार्ट आपको कितने जल्दी चाहिए और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा इससे कुछ नहीं होगा आपकी जेब से एक रुपया नहीं जाएगा बट मुझे मोटिवेशन मिलता है फिर मिलते हैं जल्दी बहुत अच्छे सीरीज के साथ नाना पाटेकर को अभी घर पर ही रहने देते हैं किसी वीडियो में फिर से तस्कारा दिखाएंगे हम बढ़िया सा